आप फॉरन जाइए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे मोदी मोदी हो रहा है। आप कौन से देश में थे? आप पता यूएस गया था? मैं यूएस गया था। यूएस में कौन से शहर में गया था? मैं सिडनी में गया था। 7 करोड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर उसी अयोध्या के अंदर मूर्ति स्थापित करने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कपाट खोलने का काम अगर किसी ने किया 87 के अंदर तो राजीव गांधी जी ने किया। राम जन्मभूमि में लड़ाई लड़ने वाले अशोक सिंगल प्रवीण तोगड़िया की आपने हत्या कर दी, और राम कृष्ण में लड़ने वाले कट्टर हिंदू बनाने का काम करेंगे किसको? दलित भाइयों को और पिछड़े भाइयों को, खुद को सनातनी बनकर पीछे के रास्ते से काम। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां पे एक लड़कियों का 3 लड़के ने रेप किया और वो भी बीजेपी आईटी सेल का, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? इन्होंने 2018 में जो ये जीएसटी लेके आए हैं, जीएसटी ने व्यापार की कमर तोड़ दी है, पर फिर फिर भी मोदी जी ही आएंगे। पत्रकार पे आरोप क्यों लगा रहे हो जी? पत्रकार आपसे क्वेश्चन कर रहा है, पत्रकार के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? पत्रकार करते हैं ये बॉयकॉट कर देते हैं पत्रकारों का, एंकरों का बॉयकॉट कर देते हैं। पत्रकार आपकी आवाज उठा रहा है, पत्रकार पब्लिक की आवाज उठा रहा है। दूसरा, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आपको नहीं जाना है, बच जाओ। बाइकट करने का क्या रीजन है? आप सनातनी नहीं हो, आप सनातनी नहीं हो, अंग्रेज सनातनी विरोधी है। चाचा को क्लियर ही नहीं है, चाचा को क्लियर ही नहीं है। इन्होंने कहा बाइकट क्या, कांग्रेस ने कभी बाइकट? जिस आज 15 तारीख को पूरी कांग्रेस कमेटी जा रही है, सुनिए इनको, चाचा को बता, पूरी चाचा सुनेंगे, कहीं वर्ल्ड में जाके चले जाओ, कहीं वक्फ बोर्ड है क्या? क्यों है इंडिया में वक्फ बोर्ड? क्यों इनको इतनी आजादी दी गई बताओ? कांग्रेस ने इनकी आजादी, ये क्यों हमारे हिंदुओं के साथ क्यों अत्याचार करा? ये कांग्रेस ने हिंदू के साथ अत्याचार करा महोदय। कांग्रेस जिस कश्मीर, सुनिए महोदय, जिस राम मंदिर की बात करते हो, शाहनवाज हुसैन 2000 में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनका सदन में क्या बयान है और उनके बयान के तर्ज पे ही मैं बयान दे रहा हूँ, और सबको पता भी है इस चीज को। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर उसी अयोध्या के अंदर मूर्ति स्थापित करने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कपाट खोलने का काम अगर किसी ने किया 87 के अंदर तो राजीव गांधी जी ने किया। और आप ये बात करते हैं, और उसी कश्मीर फाइल्स के नाम पर जनता श्रेय आपको क्यों नहीं दे रही? कांग्रेस को ताला आपने खुलवाया है, सुनिए श्रेय क्यों नहीं दे रही? सुनिए आप श्रेय जनता, आपने जनता डिसाइड कर लिया, जनता श्रेय नहीं दे रही है? आप जैसे मैंने कहा बुनियादी मुद्दे पर बात कीजिए ना आप लोग, आप श्रेय की बात कर रहे हैं। सुनिए कश्मीर के अंदर हिंदुओं को जानना चाह रहा था मैं चाचा से, कश्मीर के अंदर जब हिंदुओं को काटा गया था 7 लाख हिंदुओं को 90 में जब काटा गया था, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, तो उस समय सरकार किसकी थी? बीपी सिंह के, और समर्थन किसके समर्थन थे? भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन समर्थन उस टाइम किन्होंने लिया था? इनको दर्द कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी को? जब पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया गया था मंडल कमीशन के नाम पर, तब, क्योंकि इनको दिक्कत हिंदू में, पता क्या करेंगे? कट्टर हिंदू बनाने का काम करेंगे किसको? दलित भाइयों को और पिछड़े भाइयों को, खुद को सनातनी बनके पीछे के रास्ते से काम करते हैं। आप लोग तो शोषण करते थे ना दलितों का। राम जन्मभूमि में लड़ाई लड़ने वाले अशोक सिंगल प्रवीण तोगड़िया की आपने हत्या कर दी, और राम ट्रस्ट में लड़ने वाले लोग, सुनिए, और आपने उनको भूमिका नहीं दी, और सुनिए प्रतिष्ठा में बैठे हैं पूजा में, अशोक सिंगल जी के बेटे और बहुत प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हैं पूजा के अंदर, आप पूरी जानकारी रखिए। अशोक सिंगल जी के पिताजी, मैं पूछा हूँ कि अशोक सिंगल जी और प्रवीण तोगड़िया को आपने हत्या करी, उसकी जांच का रिपोर्ट क्या है? प्रवीण तोगड़िया को तो पूरे देश पता है। आपके पास क्या प्रूफ है? तोगड़िया को 3rd डिग्री मिला, प्रवीण तोगड़िया को 3rd डिग्री मिला ने? बीजेपी कट्टर हिंदू बनाने का काम करी दलितों को, कट्टर हिंदू बनाने का काम करी ना बीजेपी, बिल्कुल। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया? सुनिए आप, शोषण नहीं हुआ कांग्रेस के राज्य में दलितों? सुनिए नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कांग्रेस ने अगर, सुनिए, कांग्रेस ने अगर उन्हें शोषण करने का काम किया तो क्या वोट के माध्यम से हमने जवाब देने का काम नहीं किया? कांग्रेस की धारा पे ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी। 14 में वोट मिला कांग्रेस को, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस की धारा पे चलेगी क्या? अगर भारतीय, आप सारी बातों को वहीं ले आते हो कि कांग्रेस ने ये काम किया तो मैं भी यही काम करूंगा, तो फिर आप में और कांग्रेस में क्या विविधता है बताइए? 370 हटाई, वो तो बीजेपी ने सुने 370 हटा है क्या? पत्रकार आप, 370 हटा है क्या पत्रकार? आप हट गया, हट गया, मुझे दिखाइए हट गया तो दिखाइए, मैं बता रहा हूँ 370, मुझे बताइए 370, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ समय समय पर 370 कश्मीरी पंडितों के लिए 370 जब हट गया, उनको उनका शोषण बंद हो गया वहाँ पर। सुनिए 370 अब क्लियर करने दो, 370 क्लियर करने दो, कश्मीरी पंडितों के लिए हट गया। पत्रकार महोदय आपने कहा कश्मीरी पंडित छोड़ दे, आपने कहा 370 हटा। सुनिए आप जैसे लोगों को ये भटकाने का काम करते, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। सुनिए हर समय समय पर संशोधन होता है, दो प्रधानमंत्री था कश्मीर के अंदर, दो प्रधानमंत्री हटाने का काम कांग्रेस ने किया। सुनिए मत, सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री हटाने का काम कांग्रेस ने किया उसी 370 के अंदर,
सेक्रेटरी नहीं था, सेक्रेटरी लाने का काम कांग्रेस ने किया। उसी 370 के अंदर आपके अंदर चुनाव नहीं हो सकता था जम्मू कश्मीर के अंदर, कांग्रेस ने चुनाव कराने का किया। और इस 370 में पता है बीजेपी ने क्या किया, भूमि अधिग्रहण बिल का संशोधन किया, और उसके माध्यम से पता है आपको क्या बिल संशोधन हुआ, आप जमीन नहीं खरीद पाओगे, किसके पास पैसा, केवल खरीद पाएगा अंबानी और अडानी, उनके लिए रास्ता साफ किया गया है, हमारे और आपके लिए रास्ता साफ नहीं किया गया है 370 के माध्यम, और हटा नहीं है, अभी भी है। आप अगर इतना ही दिल बना रहे, कश्मीरी पंडित खुश हैं, सुनिए कश्मीर पंडितों के बीच चलिए हमारे साथ दिल्ली में, सुनिए दिल्ली में तमाम कश्मीरी पंडित लोग हैं जो जिनको इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम क्या करेंगे, विस्थापित करने का काम करेंगे, उनको कश्मीर में पुनर्निवास का काम करेंगे, आज भी दिल्ली में भटक रहे हैं, आज भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन कश्मीरी पंडितों के साथ मेरे साथ चलिएगा, मैं मुलाकात करवाऊंगा। आर्मी का इस घिनौनी हरकत की इस तरीके से निजीकरण किया गया कि जो उनकी 20-25 साल की सर्विस थी उसको 4 साल में निपटा के बोले हैं चलो हो गया। अरे 6 साल में तो पूरा बॉर्डर पे ट्रेनिंग होता है। आपको कौन चाहिए सरकार 2024 में? ट्रांसपेरेंसी और ब्लैक मनी जमीन पे चाहिए, इधर लिस्टें चाहिए। सरकार कौन चाहिए? सरकार फ्रेश चेहरा कोई भी आ सकता है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। मोदी आएगा बिल्कुल। और बताओ, मोदी जी आएंगे, फ्रेश चेहरा जो भी आ जाए, कोई भी चेहरा में कौन है? मैं बता रहा हूँ, फ्रेश चेहरे बहुत हैं, फ्रेश आदमी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, बाइडेन को लाया जाए, सामाजिक आंदोलनकारी हैं, कोई भी आ सकता है, जो बाइडेन आ सकते हैं। अरे जो बाइडेन क्या, किस कहाँ की बात कर रहे हो, विदेशी ताकतों की बात? फ्रेश चेहरा चाहते हैं तो चाहिए कौन? इंडिया में फ्रेश नहीं है, 1 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी है इंडिया में, बनने का मन है इनको फ्रेश, एक आदमी आपको बनने का मन, एक आदमी के अलावा आपको कोई फ्रेश नजर नहीं आता क्या? मैं तो नजर नहीं आता। यहाँ पे आलू बैंगन बिक रहे हैं क्या? यहाँ पे आलू बैंगन नहीं बिक रहा, ये देश की इज्जत का सवाल है, जय जवान जय किसान उसके मान सम्मान का सवाल है, नेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, और मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, उनकी इज्जत का और उनकी अनबन, आपको नाम नहीं पता कौन कर सकता है, ये नहीं पता, ये हर नौजवान कर सकता है, हर नौजवान को प्रधानमंत्री बना दे एक आदमी। अरे हम 40 करोड़ जनता प्रधानमंत्री, हम मंदिर पे रजामंद थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है सब सहमत है तो मैं फैसला देता हूँ, नेसेसरी एक्शन टू मी फॉर वी वोट। अच्छा कौन सा गांजा पान के आयो? गांजा, अरे गांजा या गांजा उसकी बात नहीं करो, क्या हो गया है तुम्हें? आपको ये पूछा मैं, कौन प्रधानमंत्री चाहिए, आप लंबी लिस्ट में, अब मैं बता, प्रधानमंत्री चाहिए नहीं चाहिए? एक बार बोल दिया ना, देश का नागरिक, फ्रेश नागरिक, ग्रेजुएट, इंटेलिजेंट, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश में। उदाहरण बताऊं, डॉक्टर पूछ रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके परिवार में किसी ने भी एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ा आज तक, मगर उसको ईमानदारी के तौर पे देश ने प्रधानमंत्री बनाया है और स्वीकार किया है, उन्होंने राज भी चलाया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, ठीक है, ईमानदारी के तौर पे प्रधानमंत्री बनाया देश में, देश किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है जो ईमानदारी और नियत साफ रखते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों आए? क्यों मोदी जी में क्या कमी है? पूछा क्यों नहीं? मोदी जी ने अब कहा कि 550 साल से ब्रिटिश के टाइम से मंदिर बनने का प्लान चल रहा था, फैसला नहीं हो पा रहा था, अंग्रेज भी चले गए, मोदी जी आए तो मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 5 जस्टिसों ने। 2024 का चुनाव क्या मंदिर के ऊपर लड़ा जाएगा या कोई और मुद्दे? नहीं देखो जी, ये तो उन्होंने तो निमंत्रण सबको दिया है कि सबका साथ सबका, कांग्रेस ने तो ठुकरा दिया नहीं आज नहीं जाए। देखो जी, आपको निमंत्रण देता है तो आपको सम्मान दिया जाता है, आप उस सम्मान के काबिल नहीं हो तो आप ठुकराओगे। भाई भगवान सबका होता है ना, भगवान आपका भी है हमारा भी है, चार धर्म है तो भाई धर्म तो सारे अच्छे हैं, हम तो किसी धर्म को गलत नहीं कहते, धर्म सभी अच्छे हैं। आपको कोई भी निमंत्रण देता है, आपका मित्र कोई भी देता है, आप उसके निमंत्रण में जाइए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी का निमंत्रण ठोको। क्या कांग्रेस मुस्लिम वोटों पे भरोसा करती है? नहीं नहीं, देखो ये धर्म सारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँ, वोट की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम वोट पे भरोसा कर? नहीं नहीं नहीं, देखो वो कहते हैं जी सबका साथ सबका विकास, सब हमारे साथ मिल के चलो जी, सबको निमंत्रण दिया गया है ना, हम किसी धर्म के बारे में नहीं कह सकते, धर्म सारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है सारे धर्म। मोदी जी आएंगे? हाँ मोदी जी आएंगे, और सिर्फ मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो सब कुछ होगा, जो अभी फ्री की राजनीति चल रही है
कि दिल्ली में फ्री पानी दो, ये दो, वो दो। हमारे गुजरात में केजरीवाल साहब आए थे, मैं गुजराती हूँ, गुजरात से आया हूँ काम से यहाँ पे। हमारे केजरीवाल साहब आए थे गुजरात में, उनको कोई जैसे आए जैसे गए, किसी को कुत्ते को पता नहीं चला वो कब आए कब चले गए। जैसे यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी रहती है, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, ओनली बीजेपी, बीजेपी का वहाँ पे काम दिखता है। अगर आप हर चीज़ में, केजरीवाल साहब ने कहा था कि आप गुजरात में आएंगे हम तो हम आपको बिजली पानी सब कुछ फ्री कर देंगे। गुजरात के लोगों ने कहा हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमाएंगे, और मेहनत करके काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो आदमी मेहनत करता है वही कमाएगा। तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है और वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे नहीं, अभी बीजेपी यहाँ पे आई है, ठीक है, हरियाणा में अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, गुजरात में शुरुआत से है। वहाँ पे क्राइम जीरो है, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि क्राइम रेट देखा, उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है भाई। बाबा है तो मुमकिन है, बाबा का राज तो दुनिया में चल रहा है, दुनिया में दूसरी जगह भी जेसीबी चलने लग गई है, साथ साथ है मामा उनका साथ में होली है। मानते हैं जेसीबी? कितने पढ़े लिखे? मैं इंजीनियरिंग पास हूँ। संविधान जानते हैं? तो जानते हैं। संविधान में कहाँ पे बुलडोजर? कहीं नहीं है। बुलडोजर का प्रमोट क्यों कर रहे हैं? बुलडोजर बाबा बेस्ट है। अभी जो गलत करेगा, सीधी सी बात समझो, मैंने आपको तमाचा मारा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बदले मुझे मारेंगे? ऐसा तो नहीं मुझे माला पहनाएंगे आप। देश की 140 करोड़ जनता सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बदले में मारेंगे, ठीक है। पहले का कानून अलग था, तब आदमी ऐसा था कि भाई बस जाया करता था, अब ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर मैंने आपका गलत किया है तो आप मेरे साथ भी गलत होना चाहिए, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है, ठीक है। मैंने अगर गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं मैं बिंदास घूमूंगा, फ्री जहाँ मेरा मन कर रहा है वहाँ आऊँगा जाऊँगा। हर आदमी कमाता है घर के लिए, कहीं पर भी आदमी जाएगा घर पर तो वापस आएगा ही, जब उसका घर ही नहीं रहेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती करी। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ पे तीन, एक लड़कियों का तीन लड़के ने रेप किया और वो भी बीजेपी आईटी सेल का, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? जो चीज़ गलत है वो गलत है, पर मोदी जी की जो चीज़ सही है वो सही है। नहीं, आपने बुलडोजर बाबा का नाम, हाँ मैंने, वो उसी बुलडोजर बाबा के अंदर में आता, वहाँ पे बुलडोजर कब चलेगा? चलेगा, टाइम आएगा तब चलेगा, ऐसा नहीं। देखिए आदमी देख करके बुलडोजर चलता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी पार्टी का। आपने बुलडोजर को प्रमोट किया इसलिए बना? नहीं, मैंने बुलडोजर को प्रमोट नहीं किया, मैंने योगी बाबा को प्रमोट किया है। बुलडोजर बाबा बोला? हाँ। योगी बाबा बोल सकते? हाँ। नहीं, योगी बाबा बोल सकते थे, बुलडोजर बाबा बोला? अरे बुलडोजर बाबा ही है वो, योगी बाबा का वो, बुलडोजर बाबा का वो बात एक ही है। पूछा वहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जो चीज गलत है वो गलत है और गलत रहेगी, ठीक है। मोदी जी का कौन सा काम 2024 में है जो लोगों के नजर में जिससे आ सकते? भाई साहब कांग्रेस में कोई है नहीं ऊपर, ये मैं भी मानता हूँ। अभी मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, विपक्ष में कोई नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। उनके काम, पहले हमारा जो देश था बहुत पीछे था, ठीक है, अब फॉरेन में जाएंगे बहुत पीछे था, आज की डेट में हमारा जो वर्ल्ड में नंबर वन पर है। क्या क्या चीज़ में आपको पता है? हर चीज़ में। अब फॉरेन जाइए, अब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप फॉरेन जाइए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर मोदी मोदी हो रहा है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब वो सराहना करते थे, सब करते थे, क्योंकि काम बोलता है इंसान का। आप गए विदेश? नहीं, आप ही गए? मैं एक दो देश गया, वहाँ तो बुल्ड, वहाँ तो प्रमोट नहीं, मैं गया हूँ, पर न्यूज देखो आप। अच्छा, न्यूज देख के आप पता कर? हाँ, मैं एक दो देश गया हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। आपको नहीं लगा होगा, आप जाइए तब आपको पता लगेगा ना। जाऊँगा। हमें न्यूज बताइए कौन सा जिसमें आपका मन करे उसमें जाइए। पाकिस्तान दो तीन देश, पाकिस्तान में चाइना में मत जाना, अगर आप गए होंगे तो वहीं गए होंगे, वो दोनों देश। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। अभी और अभी अफगानिस्तान अभी जा सकते हो, क्योंकि तालिबान की सरकार आ गई, उन्होंने भी कहा है। आप कौन से देश में पता यूएस गया था? मैं यूएस गया था, यूएस गया था, यूनाइटेड स्टेट गया था। यूएस में कौन से शहर में गया था? मैं सिडनी में गया था। सिडनी कहाँ? आपके हिसाब से मोदी जी आएगा? आपने एक बात अच्छी कही, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के पास। बिल्कुल। जी मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं, इलेक्शन का आप इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं? इलेक्शन के बारे में देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने तीन चार बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। एक तो राम मंदिर 400 साल से जो नहीं बना था वो बना दिया हिंदुओं के लिए, और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया, तीन तलाक का मुद्दा भी खत्म कर दिया, ये बहुत बढ़िया काम करा है। तीसरा कश्मीर का जो मुद्दा है, किसी के बाप के बस का नहीं था उसको ठीक करना, वो इन्होंने ठीक किया है। ये तीन चार काम बहुत बढ़िया करे हैं। बाकी उन्होंने विदेश नीति में भी काम करा है, पर एक बात मैं कहूँगा, इन्होंने 2018 में जो ये GST लेके आए हैं, GST ने व्यापार की कमर तोड़ दी है, पर फिर भी
मोदी जी ही आएंगे, उसका कारण है वो विदेश नीति को लेकर चल रहे हैं और देश में और बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आ रहे हैं, तो मोदी जी का ही आना बनता है, वही आएंगे। और आपने तीन तलाक की बात की है, कितनी मुस्लिम महिलाओं से मैं मिला हूँ, तीन तलाक को तो प्रमोट नहीं किया, वो सोचती है कि नहीं गलत किया हमारे साथ। नहीं, वो ऐसा है, सबका नज़रिया अपना अपना है, उन्होंने एक मुस्लिम समाज की स्त्रियों के लिए ये भले का काम किया है, बहुत अच्छा काम करा है, उनको उसके अंदर कोई फ़ायदा तो था नहीं। वो मानती है कि अगर हमारा तलाक का मुद्दा कोर्ट में जाता है तो हमारे हस्बैंड को 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे, फिर हमें खिलाएगा कौन? देखिए, जो हमारा देश का संविधान है वो सर्वप्रिय है, एक देश एक कानून होना चाहिए, ठीक है जी। ये जो जातियों के जो कानून हैं वो मायने नहीं रखते, जो देश के लिए जो संविधान है, जो कानून हमें बनाया है पार्लियामेंट में मेंबरों ने बैठ कर और उसका इम्प्लीमेंट कराया सुप्रीम कोर्ट में, उसी पे ही ध्यान देना चाहिए। तो देश के लिए एक कानून होना बहुत ज़रूरी है। संविधान के हिसाब से तो किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है संविधान? संविधान हस्तक्षेप तो नहीं करता है, पर जो कानून हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए है, वो मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए कानून होना चाहिए। आपके हिसाब से GST थोड़ा ठीक नहीं रहा, बाकी सारी चीज़ें? GST में गड़बड़ की है, 2018 में ये GST लेके आए हैं, इन्होंने बहुत बड़े स्लैब बना दिए, 28%, 25%, 20%। व्यापारी 1-2% पे धंधा करता है, वो चोरी करेगा? अब 100 रुपये का सामान है, 28 गवर्नमेंट को देगा, 28 उसका प्रॉफिट नहीं है, वो 1-2 रुपये पे काम करेगा तो वो चोरी तो करेगा। अगर वो 1% रखेंगे, इनकम टैक्स GST पूरा देश देगा।